वेलकम टू द एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल सोच जीतने के लिए। आज हम लोग IBPS PO का टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन उठाए हैं और ये क्वेश्चन बायलिंगुअल में यहाँ दिए हैं और ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सब फिर सॉल्यूशन देखेंगे कैसे बनेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा गया कि ए टेक्स 10 डेज लेस, ठीक है, द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। ए को बी के कार्यों को पूरा करने में लगने वाले समय से 10 दिन कम समय लगता है। इफ़ बोथ ए एंड बी टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 12 डेज, यदि वो ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क, तो काम को पूरा करने के लिए बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। ठीक है, तो अब हमको मालूम करना है कि बी कितना समय लेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, दोनों का मिलाकर वो टाइम देखिए, दोनों मिलाकर कितना लेता है 12 दिन। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/12 दोनों मिलाकर। ठीक है, एक दिन का काम कितना है नहीं मालूम, लेकिन 20 से 10 दिन कम है तो हम ऐसा ले सकते हैं 20 से 10 दिन कम है, और बी का एक दिन का काम नहीं मालूम तो 1/B लिख सकते हैं। ठीक है, बी 1/B लिख सकते हैं। चलिए, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या चलेगा, बी स्क्वायर माइनस 10B। अगर यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2B, क्योंकि b माइनस 10, ये b माइनस 10, ये अगर b माइनस 10 ये b हो जाएगा, b प्लस b माइनस 10 तो 2b माइनस 10 इक्वल टू 1/12। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो 12 24 b और ये माइनस 10 b, तो यहाँ हो जाएगा 34 b माइनस 34 b, ये b स्क्वायर का b स्क्वायर हो जाएगा और ये 12 माइनस 10 b इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 120। ठीक है, देखिए 12 दिन 24 b, यहाँ इस साइड में 24 b हो जाएगा प्लस 34 b, यहाँ माइनस 34 b साइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तो इक्वल टू 0। अब हम लोग 120 का दो फैक्टर निकालेंगे, जिसको प्लस करने से हमको 34 आना चाहिए, साफ साफ दिख रहा था 30 और 4 34 भी होता है, 30 4 100 होता है, लेकिन माइनस 34 तो माइनस 30 माइनस 4, यानी v का वैल्यू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू प्लस 30 और एक v का वैल्यू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू प्लस 30 और एक तो वैल्यू हो जाएगा प्लस 4 तो नहीं हो सकता है क्योंकि 10 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन में प्लस 4 नहीं है, तो बी का वैल्यू निकल गया 30, ये एक तरीका हो गया। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन से कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन से करने का तरीका हम लोग देखते हैं। तो अगर जैसे देखिए, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, 5 ऑप्शन, ठीक है, ये हमको तो मालूम है, 31 से ए को छोड़ कर करते हैं। ठीक है, अगर ये लास्ट में हो तो कैसे करेंगे, अगर बी का 27 है तो ए का कितना होगा, 10 दिन का 17, क्या दोनों को मिलाकर 27 है तो 17 होगा टोटल वर्क, तो यहाँ पर 17 आ जाएगा एक दिन का काम और यहाँ पर 27 आ जाएगा एक दिन का काम। ठीक है, तो अब जो है अब हम लोग कैसे निकालेंगे, 27 × 17 दोनों मिलकर कितना दिन लेगा, तो हम लोग क्या करते हैं 27 × 17 / 17 + 27 = 44 हो जाएगा, तो क्या ये 12 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, 12 × 48 होता है, लास्ट में यहाँ पर 8 होना चाहिए, यहाँ पर 9 आ रहा, तो ये तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन लेते हैं हम लोग, 25 वाला ऑप्शन लेते हैं, अगर भी 25 है तो ए कितना होगा, ए 15 होगा 10 दिन का, तो क्या यहाँ पर 75 आएगा, तो 25 × 75 = 75 होगा, तो क्या ये 75/8 होगा, दोनों मिलाएगा कितना दिन करेगा, तो क्या 12 आ रहा, 12 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा ऑप्शन। इस तरीके से 15 लेकर करते हैं, क्या अगर बी का 15 है तो ए का कितना होगा, ए का कितना होगा, ए का 10 होगा, ए का 5 होगा, ए का 5 होगा, तो क्या 15 × 75 होगा, क्या ये 15/5 होगा, यहाँ पर टोटल काम 15 हो जाएगा, ये 75 ले करेंगे तब भी कोई बात नहीं, क्या ये 15 होगा, तो ये 75/5 = 20, क्या 12 आ रहा, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एक भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन लेते हैं 30, बी का 30 अगर है तो ए का कितना होगा, 20 होगा, तो दोनों में लगेगा कितना काम हो जाएगा, टोटल काम 60, तो 30 × 60 हो जाएगा, ये 20 दिया 60 हो जाएगा, तो 60 दोनों का काम कितना है, 3 × 5
इसका मतलब ये हो गया कितना हो जाता 12 आ रहा, तो हाँ टोटल मिला के दोनों मिला कितना करता था 12 करता, तो यहाँ 12 आ गया। इसका मतलब ये 30 वाला ऑप्शन सही हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हो गया। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, एग्जाम से ना हो, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में, और लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।